दूसरा नंबर क्वेश्चन का चौथा प्रश्न है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 210 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब देखो ऑप्शन यह दिया हुआ, ए में कॉस 60 डिग्री, बी में साइन 60 डिग्री, सी में टेन 60 डिग्री और उसके बाद डी में साइन 30 डिग्री, ये दिया हुआ। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, अब देखो दो गुना यहाँ पर देखो दो गुना टेन 30 डिग्री। अब देखो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब देखो बटा 1 माइनस, अब देखो टेन 30 डिग्री का 1/√3। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो दो गुना वन करेंगे तो दो, अब देखो बटा √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर देख लो यही कर दें, ये कर दें क्या 1 माइनस 1/√3। अब देखो इसका हम हल करते हैं, ठीक है, √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा। अब देखो इसका क्या करेंगे, बिल का जो, अब देखो 3 माइनस 3 × 3 तो क्या होगा 1। अब देखो 1 × 1 कर 3 में से 1 या तो 2। अब देखो यहाँ पर 3 तो 1 × 1 करेंगे तो 1 और 3 में से 1 या तो 2। अब देखो यहाँ क्या निकल गया इसका 2/3 निकल गया, इसका निकल गया है, ठीक है 2/3। ये समझ में आपको आता होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। इतना कर दिया, आपको नहीं समझ में आता होगा बस इतना कैलकुलेशन आप तो कर ही लेंगे, ठीक है, आप तो बताएंगे तो क्या कीजिएगा, ठीक है 2/√3। अब देखो 2/√3 यहाँ जो है अब ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर लिखना है 2/√3। अब देखो गुना है, क्या गुना, अब देखो 3 ऊपर चला जाएगा और √2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 कट रहा है, क्या कट रहा है, अब देखो बच रहा है क्या 3/√3 बच रहा है, 3/√3। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 × √3 ये कर सकते हैं। अब देखो गुना कर दो ऊपर ऊपर 3 × √3 3 × 9 = 3 हो जाएगा। अब देखो 3 कैंसिल, अब देखो √3 बचा, क्या √3 बचा। अब ध्यान में रखना है √3 किसका मान है, अब देखो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो टेन साइन कॉस छो निष्पत्ति किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, अब देखो √3 है, अब देखो टेन 60 डिग्री बराबर क्या, इसको हम लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। अब देखो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में सी 60 डिग्री दिया होगा। अब तो टेन 60 डिग्री बस मार देना, इसके बाद कुछ नहीं करना, बस हो गया, यही कहा है सवाल। आपको अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक कर, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, एक बार समझ में जरूर अच्छा तरीका से आ रहा है आपको इस चैनल में, एक बार जरूर दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों को बताएं। और जय हिंद जय भारत।